लाफ्टर चैलेंज जीते जी भाई, लाफ्टर चैलेंज जीतते वो जो चेक था, यस, क्या किया उसका भाई? मेरे को लगा खत्म, आज तो मारेंगे तुम मेरे को। मेरा जितना भी एक्स अमाउंट ऑफ इनकम है उसमें 30% आई वांट टू सेव, 30% आई वांट टू इन्वेस्ट एंड 40% इज फॉर माय। हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज हम मुंबई में और हम है रजत भाई के साथ। He is the winner of laughter challenge. He is a comedian. He is a performer. शायरी भी करते हैं। हर चीज का एक complete package है। रजत, welcome to the show. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी इससे पहले इन्होंने जो introduction दिया था उसमें अंधेरी ईस्ट बोला था। Compensate किया आपने मुंबई बोल के bigger picture दे दी। First thing first, हम अंधेरी ईस्ट में हैं दोस्तों। हाँ, और इधर apparently पैसों की बात करना पहली बार हो रही है। अंधेरी ईस्ट में पहली बार आज फाइनेंस की बात हो रही है। इससे पहले इतिहास में अंधेरी ईस्ट में पैसों की बात नहीं हुई है। कैसा चल रहा है भाई? How's it going? भाई very good यार, feel blessed यार। मतलब यही जिंदगी तो चाहते थे ना आप शुरुआत से, तो फिर आप शुरुआत मतलब कितने शुरुआत से कब यार सोचने लगे हो कि परफॉर्मर बनना है? कॉलेज में, कॉलेज से। पहले आप मुझे ये बताओ, आप पैसे कमाते कैसे हो? फर्स्टली मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज शोज, मतलब बेसिकली जो आप करते हो। शोज भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉरपोरेट या प्राइवेट शोज बेसिकली, जिसमें कि मैंने बोल दिया कि भाई अंशुमन ये लो आपका परफॉर्मेंस फी, आप आओ और परफॉर्म करो, ठीक है? मतलब यस, कंपनी कॉरपोरेट्स हो गए, प्राइवेट की होगी कि हमारी बिटिया की शादी है आ जाइए। इनका लिंक्डइन का बायो है फ्रॉम किटी पार्टी टू कॉर्पोरेट शोज आई डू एवरीथिंग। हां भाई, माता की जगराते सब मैं करता हूं भाई। मेरे को कभी भी कैसा भी आपको लगे कि बच्चे का मुंडन है, आ कॉल मी भाई, मैं मुंडन में भी सेट लिखता हूं भाई। अभी मैं भाई बेबी शावर करके आया हूं भाई। मेरी जिंदगी की पहली गोद भराई थी भाई, मैंने कभी नहीं की, गोद भराई शो करके आया हूं भाई मैं अभी। तो दैट इज वन जोन कि आप प्राइवेट शोज करते हैं, कॉर्पोरेट शोज करते हैं, और उसमें भी वैरायटी ऑफ शोज है, ठीक है? बट दीज आर द टू मेजर अम्ब्रेलास। देन सेकेंडली पब्लिक शो, टिकेटेड शो। तो वो हर कोई, हर आर्टिस्ट अपने हिसाब से दे बुक द वेन्यू, दे बुक फॉर एग्जांपल 30 सिटीज का टूर करना है, 20 सिटीज का करना है, 10 सिटीज का करना है, वट एवर योर चॉइसेस। सेकेंडली इज यूट्यूब, बेसिकली यू पुट आउट कॉन्टेंट तो वहां से you get work. Third is YouTube social, तो ad revenue होता होगा, ad revenues ही, brand deals करते हैं, brand deals भी, yes. For example, अगर कोई brand ने बोला कि अंशुमन आपका मेरे को काम पसंद है लेकिन यहीं पे बीच में जो है मेरी कॉफी रख दो, अगर आप जब आप और रजत बात कर रहे हो ना दोनों एक बार ऐसे चीयर्स करके, बस तो वो सकल प्रमोशन वो सब होता रहता है। थर्डली सोशल मीडिया, उसमें भी तमाम जरिए हैं आई गेस, कि जैसे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। फोर्थ इज राइटिंग, राइट अ लॉट ऑफ स्टफ, ठीक है? क्योंकि वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। जैसे पहले तो आपको ऐसा लगता ना कि जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मेरे चुटकुले हैं और ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये तो है ना मेरे अंदर से निकले हैं चुटकुले वो वाले। फिर आपको समझ में आता है कि देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट विच विल नॉट परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड ने मेरे को बोला कि यार मैं तेल बेचता हूँ, सो मेरे को अपनी एड बनानी है, तू लिखेगा? तो मैं बोलूंगा हाँ, बिकॉज मैं तेल नहीं बेचने वाला हूँ स्टेज पे, है ना? वो वाली चीज है। तो मेरे को आई राइट फॉर देम ब्रांड्स, और पैसा भी अच्छा है। यस, गुड। और ऐसा सीन है, बाकी सारे जो एवेन्यूज है, हाँ, वो एवेन्यूज जब ना भी हो तो भी आपकी राइटिंग मसल के दम पे आपको ये वाला मिल सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि राइटिंग वर्क लेने से एक तो आपको डिसिप्लिन आता है आपकी लाइफ में, क्योंकि राइटिंग वर्क की डेडलाइन है। ब्रांड ने बोला कि सैटरडे को वो लोग शूट कर रहे हैं, सो यू हैव टू सबमिट। जॉब डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? कभी फुल टाइम जॉब किया है? ओ भाई, ये भाई क्या बात कर रहे हो, वहीं से तो खून खोला था भाई। एक डेटा एनालिस्ट था भाई मैं पहले। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? अरे भाई, मैंने एक बार क्या किया भाई, मैं इतना फुद्दू डेटा एनालिस्ट था भाई, मैं कमीशन फाइनेंस करता रहा, ठीक है, सबको, कि जो भी हमारे क्लाइंट्स थे कंपनी के। और भाई मेरे को एक बार 20,000 किसी को भेजने थे, मैंने उसे 2,00,000 रुपए भेज दिए भाई। ओ भाई, और उसके बाद मेरे पैर कांप रहे हैं भाई, अपने मैनेजर को कैसे बता दूं ये बात कि सर 1,80,000 रुपए जितना आप लोग मुझे दे नहीं रहे हो कुल 6 महीने में मिलाकर सर उतना कमाते थे उस टाइम भाई। उस दौर में मैं कमाता था 35,000 रुपए और मुंबई में रहते? नहीं नहीं नहीं, ओ भाई मुंबई में तो सड़क पे रहता भाई मैं, 35,000 रुपए में मुंबई में, देरी बैंड्रा जुहू में तो 35,000 तो रेंट लैंडलॉर्ड नोच के ले जाएगा आपसे। सही बात है, लेकिन गुड़गांव में रहता था मैं, तो मैं अच्छा जीवन गुजारता था, मेरे दोस्त यार थे वहाँ पे, बट वो फिर भी ठीक लगता था। लेकिन भाई जब मैं दे दिया ना 2,00,000 रुपए भेज दिए भाई, मेरे को लगा खत्म, आज तो मारेंगे तुम मेरे को भाई। मेरे को यही फीलिंग आई भाई कि मेरे को मारेंगे यार।
पर हमारी कंपनी कुछ बहुत वो तो थी नहीं कि भाई मैं एक ऐसा रिसोर्स हूँ जो वो कैच करके लाए हैं। मैं तो ऐसे कहता था कि मालिक रख लो ना नौकरी पे, मालिक हम भी थोड़ा बहुत पैसा आएगा महीने का एक तारीख को तो अच्छा लगेगा। मैं तो ये कैरेक्टर समझ के गया था ना भाई। तो कितने साल की है? 7 महीना मैंने दो नौकरी किए, 7-7 महीना। अच्छा, टोटल 1.5 साल जितना आपने फुल टाइम जॉब किया। यस यस यस। बाकी टाइम आप फ्रीलांस? यस यस। हाँ हाँ। कॉलेज खत्म होते ही मैंने पहली नौकरी की। अच्छा। देन मैंने वो छोड़ी, तब लॉकडाउन लग गया। और तब मैंने 1.5 साल लॉकडाउन में सिर्फ अपनी क्राफ्ट पर काम किया है। बेसिकली आई लर्नड मार्केट में कितना प्रिपरेशन चाहिए, है ना। जैसे एक तो क्योंकि हमें तो शुरुआत से ही लगता था ना हम आर्टिस्ट हैं, फिर तो आपको मार्केट ने बताया कि ऐसा आप भ्रम में है सर, है ना। तो उस दौर ने मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प किया लॉकडाउन के 1.5 साल। 1.5 साल मैंने, और भाई मैं इतनी मेहनत की। पैसे कमाते थे कि सिर्फ रेयरली, मतलब सिर्फ मेहनत प्लस कभी कभी ऑनलाइन शोज, क्योंकि जूम फिर शुरू हो गया था। तब तक आपका सोशल मीडिया में प्रेजेंस आ चुका था? नहीं, सोशल मीडिया प्रेजेंस बेसिक प्रेजेंस था। बट मतलब मेरे को शोज कहाँ से मिलते थे, मैंने कॉलेज से शुरू किया था, ठीक है। कॉलेज में हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और उस पर मतलब ऐसा होता है कि 10,000-20,000 का फुटफॉल है, ठीक है। तो उसमें एक बहुत प्यारी सी जगह है OET करके, ठीक है, ओपन एयर थिएटर, जहाँ पर ऐसे 1500-2000 लोग, 3000 लोग बैठते हैं। मैंने अपना पहला शो वहाँ किया था। द शो गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड पीपल लाइक्ड इट। मतलब ऐसा होने लगा कि DU सर्किट में लोग ऐसे बात कर रहे हैं, अरे ये नया लड़का कुछ नया करता है, ऊपर से कॉमेडी मैं करता हूँ ना, पोएट्री और कॉमेडी मिलाकर, तो उनको बड़ा याद रहने वाली चीज है। बट ये एक चीज बताओ, समय वैसे मैं रिसेंटली मिला था, ठीक है। हाँ। उन्होंने बोला कि पोएट पैसे नहीं कमाते। भाई क्या बात कर रहे हो, ये बात बताओ। नहीं भाई, नहीं भाई, बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब पोएट भाई खूब पैसा कमाते हैं भाई। हाँ, मतलब वो अनबिलीवेबल पैसा कमाते हैं। द पॉइंट इज, वो कम्युनिटी में ऐसा नहीं है ना, बहुत सादगी है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बेसिकली अगर कोई ज्यादा अर्न कर रहा है तो गुची का जूता पहन के घूम रहा है, तो इसलिए आपको दिखता नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, ब्रांड्स को पसंद आ रहा है, अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर डूइंग स्पोकन वर्ड, सीन इज ग्रोइंग एंड दिस इज एवर एक्सपेंडिंग भाई। सॉरी समय भाई, पोएट्स लोग पैसा कमा रहे हैं। लास्ट ईयर से इस साल अगर हम मल्टीपल में बात करें, कितने टाइम्स जंप हो, कभी सोचा है इसके बारे में? भाई अब आप कह रहे हो तो मैं सोच के सोच लो, टेक योर टाइम। अगर ज्यादा सोचना पड़ रहा है मतलब बात है कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है ना? नहीं, अच्छा चल रहा है भाई। मैं, और मैं तो तोलता नहीं भाई पैसे से, ठीक है। मतलब अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बहुत खुश रहता था, अभी भी बहुत खुश रहता हूँ। एक शेर मुझे भाई याद आया, ठीक है, कि फलक के सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, है ना, कि फलक के सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, खुदा के सामने बातें बनाई जा नहीं सकती। और हुई जब जेब खाली तो रईसों को समझ आया, कि हुई जब जेब खाली तो रईसों को समझ आया, मोहब्बत से बड़ी दौलत कमाई जा नहीं सकती। मतलब वो आपको धीरे धीरे समझ में आता है क्या? पहले आपको ऑब्वियसली, क्योंकि जरूरत है पैसा, है ना, ऐसा नहीं है कि यार मैं कहूँगा कि नहीं नहीं आपका प्यार ही है जो है, देखिए वो जरूरत है, आपको चाहिए, और एक सर्टेन अमाउंट चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एक सर्टेन अमाउंट चाहिए आपको स्टेबल होने के लिए, एक सर्टेन अमाउंट चाहिए आपको सिक्योर होने के लिए, मतलब। बट आपको ये चीज नजरअंदाज आप नहीं कर सकते कि यार जो दौलत है ना वो जनता का प्यार है यार। ओवरऑल कैसा है आपका साथ, आपका पैसे के साथ रिलेशन? भाई आई रिस्पेक्ट मनी अलॉट, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत से मिला है भाई। अभी मैं हालांकि सीख रहा हूँ कि इसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हाँ, तो दैट इज व्हाई आई एम हियर भाई, कि मेरे को ये जानना है कि सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए, महीने में जो आपकी अगर एवरेज पिछले 6 महीने की इनकम है, हाँ, उसमें से आप कितना खर्च कर रहे हो? जो मैंने सीखा है, मतलब तमाम चैनल्स, जैसे आपका चैनल है और तरह के जो फाइनेंशियल अवेयरनेस चैनल्स जो होते हैं, वो पढ़कर वो देखकर, कि मेरा जितना भी एक्स अमाउंट ऑफ इनकम है उसमें 30% आई वॉन्ट टू सेव, 30% आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट एंड 40% इज फॉर माई। अच्छा, तो आप ये कर रहे हो? फॉलो कर नहीं रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तो हो नहीं रहा है, बट ये मेरा गोल है, ठीक है। पहले तो आप मुझे एक चीज बताओ, पेमेंट कब आएगी, कैसे आएगी? वो तो बहुत एक फ्रीलांसर की जिंदगी है, तो कभी भी कैसे भी आ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपके खर्चे हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया, ठीक है, अगर आपके घर में कोई काम करती है, वो सब तो फिक्स्ड रेट है। यस 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 यस। तो फिर ये कैसे मैनेज करते यार? तो अभी मतलब पहले थोड़ा मेस्ड अप था, है ना, क्योंकि पहले आपको समझ नहीं आता और आपको ऐसा लगता ना कि सब क्लाइंट भले मानस है, ये कितने सुंदर लोग हैं जो इतना पैसा देते हैं, है ना। फिर आपको समझ में आता है, वही कह रहा है कि 21 दिन बाद पैसा आएगा, ठीक है, अभी नहीं दे रहा हूँ, तो फिर आपको लगता है अरे सारे क्लाइंट भले नहीं है। तो वो आपको जब क्लैरिटी मिली कि अच्छा सब एक तारीख को नहीं आएगा पैसा, दिस इज नॉट अ सैलरीड जॉब, फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि जितना मेरा खर्चा है उतना मैं एक
अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट कि जब वो दीदी मेरे से पैसा मांगती है ना कि दादा मेरे का मेरा पगार किधर है दादा, तो फिर मेरे को ऐसा ना होगी अरे दीदी के आगे मैरिज होना पड़ रहा है। एक्चुअली आई एम अ फ्रीलांसर दीदी, तो वो मैं अभी सीखा हूँ पिछले 3-4 महीने से, तो वो मैं साइड रखता हूँ। एंड उसके अलावा जैसे जैसे पेमेंट्स आती रहती है वैसे वैसे आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आप लाफ्टर चैलेंज जीते? जी भाई, लाफ्टर चैलेंज जीतते वो जो चेक था, यस, कितना बड़ा चेक था? अरे भाई बहुत बड़ा होता यार वो तो ऐसा। और अमाउंट कितना था? अमाउंट उसमें 25 लाख रुपए था। टैक्स कितना? यार यार 31.5% टैक्स कटता है। तो भाई आपको तो पता होगा ना क्या सीन होता है, समझाओ ना भाई मेरे को क्या होता है वो गिफ्ट टैक्स कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? कोई भी आपकी विनिंग हो उसमें सरकार एक बड़ा पार्ट लेता है। तो जब वो करोड़पति आता था तो जब कोई 1 करोड़ जीतता था वो एक्चुअली लखपति बनता था, गवर्नमेंट टैक्स ले ही जाती है। तो एनी हाउ कुछ भी हो कटना ही था, तो मैं बेफालतू ही परेशान था उन दिनों। तो लास्ट में 30% मतलब आपको 17-18 लाख मिले थे? 17.5 हाँ 17.5 लाख क्या अकाउंट में सीधा? भाई कैश थोड़ी देंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा कि सोनी वाले और मैं थूक लगा के नोट गिनना है यार सर 500 कम लग रहा है सर। भाई 17.5 लाख एक मशीन तो खरीद, पर क्या किया उसका? सबसे पहले तो अपने परिवार वालों को गिफ्ट दिए भाई, ठीक है, ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अपने लोगों को जो मैं कर सकता था, जो मेरा जेस्चर है ना बनता है, हाँ तो वो मैं कर पाया अपने दोस्त यारों को, ठीक है। और एंड उसके अलावा आई इन्वेस्टेड, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स और FD क्रिएट किए मैंने, ठीक है। और क्योंकि मेरे समझ में FD पैसा कम देती है, लेकिन मेरे को एक फ्रीलांसर की जिंदगी में सेफ मनी बहुत हाई। और दूसरी बात है कि यू फील दैट कंफर्ट इन योर माइंड कि जब आपके पास, क्योंकि फ्रीलांसर में क्या है कि इस महीने बहुत ज्यादा काम है, अगले महीने थोड़ा कम काम है, अगले महीने है ही नहीं, ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं है तो फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली। तो मेरे को समझ में आया कि एक लिक्विड मनी होना आपके पास बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, जो आपको मेंटली कंफर्ट देती है, क्योंकि हमारा काम जो है ना भाई क्रिएटिव आदमी का काम सिर्फ सोचने का है, ठीक है। तो मेरा दिन भर इसी में गुजरता है कि हाउ कैन आई क्रैक वन गुड आइडिया, हाउ कैन आई राइट वन गुड कपलेट, एक अच्छा शेर कैसे लिख सकते हैं। अब मेरा दिमाग जब सारा दिन इसी में घूम रहा है तो आई डोंट वांट कि वो एक डर में जी कि यार इस महीने का पैसा कहाँ है और दीदी को कैसे देंगे, रेंट कैसे भरेंगे, ये वाला काम आएगा नहीं आएगा। सही। तो इसलिए मेरे को समझ में आया वो आप दिमाग जो आपकी सबसे ज्यादा कीमती अमानत है ना उसके साथ खिलवाड़ मत करो यार। ये जो फंड आपने समझाया ना वो थोड़ा इमरजेंसी फंड टाइप सिचुएशन है। आपको इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट पता है? ठीक है, तो इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड है जो तब काम आएगा जब आपकी इनकम कोई रीजन से कम हो गई है। ओके, द साइज ऑफ द इमरजेंसी फंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर जॉब सिक्योरिटी, कि जॉब जितनी सिक्योर है उतना कम इमरजेंसी फंड जरूरत है। जैसे जैसे मेरे डैड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसमें जब तक आप क्राइम नहीं करोगे यू कैन नॉट गेट फायर्ड, तो उनका इमरजेंसी फंड कम हो सकता है। मेरा और आपका, हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, हम लोग की तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कल का कोई ठिकाना ही नहीं है, तो हम लोग का इमरजेंसी फंड बड़ा होना पड़ेगा। तो ये अब इमरजेंसी फंड का जो साइज है, क्रैक इट बाय दैट साइज इज बेसिकली मंथली एक्सपेंसेस। आप अपने सारे कैलकुलेट करो, हाउसिंग रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवल खर्चा, ट्रैवल करना, अगर आपके कोई एम्प्लॉयज है वो, यस एडिटर का, हां वो सब का इनटू आपके हिसाब से कुछ 18 इनटू 18 मतलब 18 महीने का आपका एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, 12 से 18 महीने। अच्छा, धीरे धीरे आप स्टार्ट। भाई लेकिन ये तो कितनी बेहतरीन बात बता रहे हो आप कि बंदा कितना फ्री फील करेगा यार अगर ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये तो बहुत बेहतरीन बात है। मैं जहां जा रहा हूँ ये बताऊंगा यार। भाई एक चीज, मेरा एक सवाल आपसे ये है, सब लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, ठीक है, निकालना कब है भाई, ये कोई बता ही नहीं रहा है भाई सब। बहुत सही। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो ना, आप इन्वेस्ट करो एक एक्शनेबल गोल के साथ। फॉर लेट्स से रजत सूद आज 25 साल का है, मैं ये इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि 32 साल की उम्र में मुझे शादी करनी है, जब तक मुझे 10 लाख रुपए का एक अमाउंट बनाना है, ठीक है, ये आपका गोल हो गया जिसके लिए आप इन्वेस्ट करते हो। ओके, जब वो गोल खत्म हो गया तब आप वो निकाल दीजिए। तो यू नीड एक्शनेबल गोल्स व्हेनेवर यू आर। और हाउ टू डिफाइन एक्शनेबल गोल भाई, मतलब मेरे करियर में मैं कैसे डिफाइन करूं कि ये मेरा एक्शनेबल गोल होना चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी जैसे आप 25 हो, अभी एक खर्चा जो मुझे लग रहा है कि आपको शायद आ सकता है, ये 4-1 साल में गाड़ी खरीदने का मन है। ठीक है, ठीक है, अब गाड़ी खरीदने के 2 तरीके, या तो आप लोन ले लो, ठीक है, बट आप एक फ्रीलांसर भी हो तो शायद आपको उतना रिस्क ना लेना। Yes, yes. तो आप बोलोगे 50-60% डाउन पेमेंट तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है, आज के दिन
में क्या गाड़ी, कोई दिमाग में कोई गाड़ी है भाई? फॉर्चुनर भाई। ठीक है, तो फॉर्चुनर आज 45 लाख की, क्या बात ब्रो, कुछ 45 लाख की है। ठीक है, 5 साल बाद अगर आप इन्फ्लेशन भी लगाओ 10% का गाड़ी पे, तो वो 50 लाख की, 50 लाख की, 50 लाख नहीं 60 लाख हो जाएगी 5 साल में। ओह अच्छा ठीक है, 10% पर ईयर गिन लो। ओह ठीक है, हां तो 60 लाख की गाड़ी होगी। 60 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए जिसमें से आप 50-60% एटलीस्ट डाउन पेमेंट दोगे, आपको कितना चाहिए? 40-1 लाख। इस चीज के लिए ठीक है, 40 लाख रुपए के गोल के लिए आपको महीने की SIP करनी है 51,654 रुपीस। भाई इजी लग रहा है ना? इजी लग रहा है ना? यही है, प्लान करोगे ना चीजें तो बहुत इजी लगेगी। अच्छा मतलब आप कह रहे हो कि वो स्पेसिफिक गोल्स को नजर में रख के प्लान करो भाई, जैसे एक ये चीज हो गई, अब ऐसे 3-4 गोल्स अलग अलग आप 3-4 कर लो, और एक गोल हमेशा होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन। समझ जैसे उसके लिए क्या फिर प्रोसेस है? उसके लिए जैसे बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, हाँ, ठीक है, उसका लॉक इन ही 1500। हाँ हाँ हाँ, तो विच इज गुड ना? Which is good. 7.8% 7.8 या 7.5% है, ठीक है, और वो रिस्क फ्री रिटर्न है, फिक्स्ड रिटर्न है वो, तो बहुत सही है। तो वो जो अमाउंट बनेगा जो भी, ठीक है, वो अच्छा खासा आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहा है। उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं? इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर वेल्थ क्रिएशन है। आई टेल यू कितना, 5-10 साल के लिए रख दो। रिस्क का सिंपल गेम ये है, जितना लंबा इन्वेस्ट करोगे उतना वो रिस्क कम होगा। पेशेंस रखने हैं, वो बेकरारी वाला नहीं चलेगा, क्योंकि इधर मेरा 24% है। इक्विटी म्यूचुअल फंड और इमरजेंसी फंड, ये दो मेरी लर्निंग है भाई। अब और लर्निंग्स बढ़ाते हैं। इंश्योरेंस है आप? हाँ भाई इंश्योरेंस है मेरे पास। हेल्थ इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस है भाई, भाई है मेरे ख्याल। फैमिली मम्मी पापा उनकी है, सरकारी नौकरी है ना। हेल्थ इंश्योरेंस का कवर कितना होगा वो पता है आपको? भाई मेरे सीए ने बोला ये वाली करा लो, तो मैंने ये वाली करा ली भाई। ठीक है, मुंबई जैसे सिटी में आपकी एज के लिए 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए कवर। अच्छा, जिसका आपकी एज के हिसाब से इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12-14,000 पर ईयर। भाई एक बात बताऊं, मेरे को एक डाउट और रहता है, ठीक है, जैसे एक तो है हेल्थ इंश्योरेंस में जो कि कभी भी आपदा आ गई, कभी भी इमरजेंसी आ गई, आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, एक है वो टर्म इंश्योरेंस, ठीक है, वो करानी सही रहती है। तो टर्म इंश्योरेंस में बता दो क्या होता है। अगर कोई रीजन की वजह से जिस इंसान ने इंश्योरेंस लिया है उसकी डेथ हो जाए, तो फिर उसका जो नॉमिनी है उनको वो पैसा, वो जो कवर है वो मिल जाता है। बट मेरे को ये थॉट भी है ना कि मैं तो लंबा जीने वाला हूं यार, इज इट अ वेस्ट ऑफ मनी देन? इट इज नॉट, इफ द मनी इज वेस्टेड गुड फॉर यू। हाँ पैसे बच रहे हैं आपके, पैसा वेस्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी मम्मी पापा कोई नहीं ऐसे यार ये क्या बात हुई यार, मेरा पैसा नहीं नहीं वो तो नहीं कर रहे। अच्छा मतलब ले लो और ऐसे समझो कि ये पैसे है ही नहीं, बस ये मत समझो इन्वेस्टमेंट है, इसमें इससे कोई रिटर्न नहीं आना है, कोई रिटर्न नहीं है ये बस। तो अगर मान लो मैं आपसे पूछूं मेजर पैसा अगर किसी के पास आ रहा है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स? देखो म्यूचुअल फंड्स तो करना है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है, अगर आपके 1-2 साल में कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में मत डालिए, बिकॉज इट इज वॉलेटाइल। तो इसीलिए जितने अगर आपके 3-4 साल से कम के गोल्स है तो फिर आपको स्टॉक, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपके पास डेट म्यूचुअल फंड्स है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट, वो ज्यादा बेनिफिशियल है एफडी से। सेम है एफडी जो सेम, पर आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। तो जो आप इमरजेंसी फंड है जो आप अब बना, बेसिकली वो एफडी की एसआईपी है। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, खोल लूंगा अपना चैनल भाई। तो ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है, ठीक है, आपको बिना सोचे क्वेश्चंस के आंसर। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग दैट यू हैव गिफ्टेड समबडी? आईफोन। बहुत सही, किसको दिया था? मम्मी। अरे बहुत सही, बहुत सही। और व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन योर हाउस? मोस्ट एक्सपेंसिव टीवी। ठीक है, पता नहीं। एंड व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम इन योर लाइफ? मेरी किताब है जिसमें मैंने लिखा हुआ सबसे ज्यादा, वही भाई वही है जो मेरा बंगला बनाएगी। अगर आप महीने में 5 प्रोजेक्ट्स लेते हो, ठीक है, हाउ मेनी आर फॉर द किचन, हाउ मेनी आर फॉर द सोल? 3-2 रेशियो रह सकता है, मतलब 60-40 रहता ही आएगा। 60 इज फॉर द सोल एंड 40 इज फॉर की। इफ यू वरंट अ कॉमिक व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग? मैंने इंजीनियरिंग की है फिजिक्स में, ठीक है, और मेरे को वो दुनिया बहुत फैसिनेटिंग लगती थी, सो आई वुड हैव chosen that, और मैं कुछ invent कर रहा होता, मतलब ऐसा नया product जिससे दुनिया बदल सकती है। What pays better, digital or television? Better में, for me TV.
फॉर मी टीवी यस एंड वैसे डिजिटली भी लॉट ऑफ मनी एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ये इंटरेक्शन के बाद व्हाट आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू वुड डू टू एनहांस योर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सिक्योरिटी ओके भाई जो मैं सीखा हूं आज कि एक तो एक्शनेबल गोल लेकर आपने इन्वेस्ट करना है ठीक है इमरजेंसी फंड जो है वो आपका 12 से 18 महीने का एक्सपेंडिचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जॉब सिक्योरिटी ठीक है देन शॉर्ट टर्म की प्लानिंग और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग अलग अलग करनी है शॉर्ट टर्म में आपने आरडी एफडी और डेट म्यूचुअल फंड ये सब करना है लंबे के लिए हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड करना है और एजुकेटेड भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ये तरह के कोर्सेज यार ये सब पढ़ाना चाहिए स्कूल्स में यार बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो डू हिट द लाइक बटन गाइस और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो यार कर लो भाई लोग 80-90% ऑफ द पीपल वीडियो देखते हैं मजे लेते हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते कर लो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब करो अभी ये लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है गाइस ये गुड बाय सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन